दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी खूबियां हैं जो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड में देखना चाहती है। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है अलग होता है और इसके अनुसार वह साथी पाने के लिए भी जो है अपना चाहत रखता है, लेकिन कुछ खूबियां जो हैं ऐसी हैं जिन्हें एक लड़की अपने मेल पार्टनर में ज़रूर चाहती है। ये खासियत लुक्स या कोई पैसे से जुड़ी हुई नहीं होती है, बल्कि पर्सनालिटी से जुड़ी हुई होती है, जो शायद किसी भी अच्छे इंसान में पहले से मौजूद रहती है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी खूबियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड में देखना चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो खूबियाँ होती है वो आपका सम्मान, मतलब सम्मान करने वाला बॉयफ्रेंड। कई लोग कहते हैं कि रिश्ते में प्यार सबसे अहम है, लेकिन सच तो ये है कि इससे भी ज़्यादा अहम होता है सम्मान। आप भले ही अपने गर्लफ्रेंड को कितना ही पैम्पर क्यों ना कर लें, पर अगर आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली लड़की आपके साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। अभी पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए लड़की वैसे ही कई तरह के सोच का सामना करते रहती है। ऐसे में अगर उसे एक ऐसा साथी मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए जो उसकी सोच या काम का जो है सम्मान नहीं करता हो, तो कोई भी लड़की वैसे बॉयफ्रेंड या वैसे साथी के साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट खूबी है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग नेचर। आपसी समझ जो है वो तो हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर यह नहीं होगा तो जो है गलतफहमी से लेकर न जाने कितने निगेटिव चीज़ें जो है रिलेशनशिप को जो है बिगाड़ देती है। अगर ऐसा बॉयफ्रेंड हो जो अंडरस्टैंडिंग हो, तो लड़की को अपने थॉट्स या प्रॉब्लम शेयर करने में कोई भी हिचकिचाहट जो है नहीं होता है। यह बेहतर कम्युनिकेशन को बनाए रखने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे इमोशनल बॉन्ड को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इसके बाद जो आपका तीसरा जो पहलू है वो है आपका फॉर ग्रांटेड ना लेना। रिश्ते को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर तोड़ता है तो वो है व्यक्ति का अपने साथी को फॉर ग्रांटेड लेना, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए समय ना निकालना, मैसेज या कॉल का घंटों तक रिप्लाई नहीं देना, डेट के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए रुचि नहीं दिखाना, गर्लफ्रेंड के लाइफ में क्या चल रहा है इसमें रुचि ना दिखाना, जैसी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें जो हैं दोस्तों ये दिखाती है कि आप रिश्ते जो है रिलेशनशिप को जो है फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ऐसा जब भी होता है तो भले ही कितना प्यार क्यों ना हो, आपका रिलेशन जो है टूटने के कगार पर जरूर पहुंच जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है आपका केयरिंग करना। तो केयर करना प्यार को जताने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों। मुश्किल समय में पार्टनर के साथ रहने से लेकर ठंड लगने पर शॉल उड़ाने तक जैसी छोटी चीज़ों तक केयरिंग में जो है वो काउंट की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई किसी का सच में जो है बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो वह उसे कभी भी हर्ट करने वाली चीज़ें जो है कभी भी नहीं करता है। यह जो है लड़की के इमोशनल सिक्योर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों, नेक्स्ट खूबी है वो आपका दयालु होना। अगर कोई दयालु साथी चाहता है, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी जो है अपने लिए जो है एक दयालु साथी चाहता है। अगर कोई दिल से ऐसा होता है तो मानकर चलिए कि वह बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है और रेस्पेक्ट करने वाला जो है व्यक्ति होता है। दया का भाव तभी किसी में आ सकता है जब वह दूसरे से सिंपैथी या एम्पैथी के जरिए जुड़ के भाव जो है अपने अंदर में उसको रखे। यह जो है भावना जो है किसी भी व्यक्ति को जो है बेहतर इंसान बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और लड़कियां जो हैं ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित यहाँ पर होती हैं। तो अगर आप घर से सोशल मीडिया जॉब के द्वारा पैसा कमाना चाहते हो तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 5 खूबियां मैंने आपको बताया जो कि हर लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने साथी में ढूंढते रहती है। यहाँ पर और भी आई बटन में रिलेटेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको वॉच करना, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इससे बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट एडवाइस कमेंट कर दीजिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिए। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
फ़ोन पर कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों, मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है हमें नए वीडियोस बनाने के लिए। तो इसको इग्नोर ना करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।